कार्तिक मास में कुछ विशेष बातों का अगर वैष्णव लोग ध्यान रखें तो भगवत कृपा सहज प्राप्त होती है। मैं आपको पुराणों के अनुसार कार्तिक मास में विशेषतः क्या करना चाहिए, इनमें से कुछ चीजें भी अगर कर ली जाएं तो वैष्णव भगवान के परम धाम को ही प्रस्थान करता है, ये निश्चित है, इसमें मिलावट नहीं है। वैष्णवों का परम प्रिय मास है कार्तिक मास। पुराण कहते हैं न कार्तिको समो मासो न कृतेन समम युगः युगम न वेद सदृशम न तीर्थम गंगया समम। कार्तिकः प्रवरो मासो वैष्णवानां प्रिय सदः कार्तिकम इस्कलम यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवः। अभिप्राय है कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, वेद के समान कोई ऐसा सुंदर ग्रंथ नहीं है और सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वैष्णवों को विशेष प्रिय है कार्तिक मास। कार्तिक मास में वैष्णव लोग अपने भगवान की बड़ी सेवा पूजा करते हैं और कुछ कार्य ऐसे हैं जो छोटे छोटे ही हैं पर कर लें तो उनका कल्याण हो जाए, जैसे नदी इत्यादि मंदिर इत्यादि में जाकर दीप दान करना। कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुन ले, अलग से बना लेंगे। दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है कार्तिक मास में। आपके यहां कानपुर में तो गंगा जी हैं, निश्चित एक दिन जाकर या तो हर दिन जाकर कार्तिक मास में एक दीप दान करें। दीप दान करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शीघ्रता से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए, संभव हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए, पूरे कार्तिक महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। शरीर में कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, जितना संभव हो सके कार्तिक मास में तुलसी माँ का पूजन करना चाहिए। नित्य तुलसी के संध्याकालीन समय में माँ तुलसी के समक्ष दीप दान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, जल देना चाहिए तुलसी माँ को। तुलसी भगवान को विशेष प्रिय है, जो तुलसी की सेवा करते हैं भगवान की विशेष कृपा उनके ऊपर होती है, इसलिए जितना हो सके कार्तिक मास में तुलसी की सेवा करें और तुलसी विवाह में सम्मिलित होना चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे वृंदावन धाम में इस बार तुलसी सालिग्राम विवाह किया जाए। बाकी के आप लोगों को जिनको भी अपने अपने यहाँ अपने अपने हिसाब से सम्मिलित होना चाहिए। कार्तिक मास में अधिकतर दालों का सेवन नहीं करना चाहिए, अधिकांश दालों का परित्याग कर देना चाहिए, उनका सेवन न करें। ये जो कार्तिक मास है ये वैष्णवों के लिए मोक्ष का द्वार है। इस कार्तिक मास में आप जितना अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करें, गोविंद नाम का जाप करें, कृष्ण नाम का जाप करें। इस मास की अधिष्ठात्री देवी सर्वेश्वरी राधा रानी है और इस मास में जो श्यामा श्याम का पूजन करते हैं और सेवा करते हैं सर्वेश्वरी राधा रानी, उनके ऊपर अकारण ही कृपा करके उन्हें गोलोक प्रदान करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कार्तिक मास आने से पहले हो सके तो एक समय अन्न का भी आप नियम कर सकते हैं कि दिन में एक ही समय अन्न लेना है, भजन ज्यादा से ज्यादा करना है, क्रोध नहीं करना है, काम को जीतना है, वासनाओं को कम से कम एक महीने कंट्रोल में रखें और सबसे बड़ी बात कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुननी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा।
तो जितने भी वैष्णव हैं उनको ये कार्तिक मास का महत्व आपको पता होना चाहिए और आप लोग सुने औरों को भी सुना दें। कार्तिक मास प्रारंभ हो, पहले ही दिन से आप इन नियमों का पालन करें। बोलो राधे राधे।